वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशी दुसेजा आज आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। तो और दीपावली के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करने हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपकी दीपावली बहुत अच्छी बन पाए और हमारी भी। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आपकी लाइफ तो चेंज होगी और आपके बिजनेस करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा और लक्ष्मी माँ भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और लक्ष्मी माता भी आपके पास ही आएगी। टीम पर यकीन कीजिए, बेहतरीन टीम बनाने पर फोकस कीजिए, सही लोगों को चुनिए, अच्छे कार्यों पर पुरस्कार दीजिए, हर दिन कुछ लोगों की तारीफ कीजिए। इस काम पर कोई टैक्स नहीं है, जिस क्षण आप लोगों की तारीफ करते हैं वे आपने हो जाते हैं और अपने साथ काम करना चाहते हैं। आजकल लक्ष्मी जी एकला चलोत के बजाय सही टीम वालों के पास जाती है। तो हमेशा मेरी ज्ञान आपको देना यही है कि हमेशा एक टीम के साथ काम करें। अकेला काम करने से कुछ नहीं मिलता है, एक टीम के साथ काम करने से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत ही अच्छी लाइफ भी मिलेगी और लक्ष्मी जी भी आपके घर आएंगी। कुछ अलग कीजिए, लक्ष्मी जी भीड़ चाल की जगह इनोवेशन वालों को ढूंढ रही है, भीड़ के पीछे मत भागिए। कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए जो दूसरे लोग ना कर पाते हैं और दूसरे लोगों से अलग हो, जो दूसरों के काम का भी हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। सफलता बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पास आएगी। तो हमेशा कुछ अलग करने का सोचिए, कुछ डिफरेंट कीजिए। जो मतलब कि ऐसे मत सोचिए जब तक आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो एक एटीट्यूड रहेगा और ये सोच रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूँ ये आपका टारगेट रहता है। तो हमेशा कुछ अलग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि लोग एकदम इम्प्रेस हो जाए और बहुत ज़्यादा उनके काम का भी और आपको लक्ष्मी जी एकदम प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। अपना ध्यान रखिए, इस दीपावली से पेड़ों और पौधों पर उगने वाले प्राकृतिक भोजन ही ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और जितनी भी पॉकेट बंद खाद सामग्री है उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। मानसिक आत्मिक और शारीरिक सेहत के लिए कुछ वक्त निकालिए। याद रखिए, आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतनी ही लक्ष्मी आपके पास आएगी, यहाँ उतनी ही ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो हमेशा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट लिस्ट पर ध्यान दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हमेशा के लिए एक बहुत ही अच्छे युवा बन पाएंगे, एक बहुत ही अच्छे इंसान बन पाएंगे और लक्ष्मी जी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। कम से कम शिकायत कीजिए, रोने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आप खुश होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा और आपके काम आना चाहेगा। शिकायतें कम से कम कीजिए। आप सब कुछ नहीं बदल सकते लेकिन बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। जितनी कम शिकायत होगी उतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ होंगी। जितनी आप लोगों से कम शिकायतें करेंगे, जितनी आप लोगों को कम उम्मीदें देंगे कि हम शिकायत लायक हैं, तो उतना लोग आपसे पूछेंगे कि हाँ ये इतना हमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं उतनी मतलब कि आपसे जानकारी लेंगे कि हाँ भाई ये इंसान एकदम परफेक्ट है जानकारी लेने देने में, तो हमें इनसे ही जानकारी लेनी देनी चाहिए। दूसरों को खुशी देने का प्रयास करें। याद रखिए कि लक्ष्मी जी उनके घर ही आना चाहती है जिन्हें दूसरों के घरों में रोशनी डालना आती है, जिनकी वजह से दूसरों के होठों पर हंसी आती है। मेरा मानना है कि जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं तो ऊपर वाला भी आपको देने के लिए अपना दिल खोलते हैं। इस पर यकीन कीजिए और हर दिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है और आप
हमेशा के लिए कैसे स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, और लक्ष्मी जी भी आपसे हमेशा के लिए कैसे प्रसन्न रहती हैं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली, और आपकी दीपावली हमेशा अच्छी रहे, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नोट डाले तो सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वंडरफुल वीडियो, एंड वंस अगेन हैप्पी दीपावली।